हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसके अंदर हम बेसिक मैथ के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको हमें ध्यान देना ज़रूरी है जिससे हमारा रिजल्ट अच्छे से आ जाए और सही आए। फ्रेंड, फर्स्ट टॉपिक हम चालू करते हैं एडिशन और सबट्रैक्शन। फ्रेंड, उसके लिए मैंने चार एग्जाम्पल लिए और दो तरह की डिजिट ली है और 5 और 10। फ्रेंड्स, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड का आंसर सेम आएगा जो आएगा 5 5, और थर्ड और फोर्थ का आंसर सेम आएगा जो होगा 15 15। फ्रेंड्स, अब हमें देखना है कि हम कौन से साइन का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, जो संख्या बड़ी है हम उसके साइन का यूज़ करेंगे। फ्रेंड देखिए, फर्स्ट के अंदर 10 बड़ा है और उसका साइन है माइनस, तो फ्रेंड्स हमने माइनस साइन का यूज़ किया है। सेकेंड के अंदर फ्रेंड्स हमारा 10 वापस बड़ा डिजिट है और उसका साइन है हमारे पास प्लस, तो फ्रेंड्स हमने प्लस साइन यूज़ किया है। फ्रेंड्स, थर्ड के अंदर 10 फिर से बड़ा है तो हमने थर्ड के अंदर प्लस साइन यूज़ किया जो आंसर आ गया प्लस 15। फोर्थ के अंदर फ्रेंड्स 10 फिर से बड़ा है तो हमने उसका साइन माइनस यूज़ किया है। फ्रेंड्स, चारों के अंदर आंसर कैसे आया फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, कब हमें प्लस यूज़ करना है कब माइनस यूज़ करना है। फ्रेंड्स, एक ही तरीका ध्यान रखना है, साइन विल ऑलवेज बी ऑफ बिग नंबर, जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन हम यूज़ करेंगे। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो है हमारा मल्टीप्लीकेशन। फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं फिर से चार तरह के एग्जाम्पल ले रहा हूँ और दो तरह की डिजिट में यूज़ कर रहा हूँ जो है 5 और 10। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम फर्स्ट के अंदर देखिए फ्रेंड्स +5 × −10। फ्रेंड्स, इन चारों के आंसर 50 50 50 50 ही आएंगे। वापस ध्यान देने लायक बात है कि हम कब प्लस यूज़ करेंगे आंसर के अंदर, कब माइनस यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, आप फर्स्ट के अंदर इसके अंदर +× −, तो फ्रेंड्स अगर साइन अपोजिट हो या विपरीत हो तो हमेशा माइनस आंसर आएगा, और साइन सेम हो तो हमेशा प्लस आंसर आएगा। फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट के अंदर +× − है तो हमने माइनस यूज़ किया है। सेकेंड के अंदर देखिए फ्रेंड्स, −× + अपोजिट साइन है तो हमने माइनस यूज़ किया है। फ्रेंड्स इसी प्रकार थर्ड के अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सेम साइन है, मैंने क्या कहा, सेम साइन है तो हम सेम साइन को यूज़ करेंगे जो होगा प्लस का यूज़ करेंगे। और फोर्थ के अंदर देखिए फ्रेंड्स, फिर से सेम साइन है माइनस माइनस तो हम प्लस का यूज़ करेंगे जो पॉजिटिव नंबर का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स तो हमारे पास आंसर निकल के आ गए हैं चारों के। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको कब कौन सा साइन समझ में आ रहा होगा। तो +× − −−± प्लस आंसर है। थर्ड जो है हमारा डेसिमल यूज़। फ्रेंड्स डेसिमल यूज़ कैसे करेंगे ये देखिए, मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिख दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसको करने का तरीका क्या रहेगा, पॉइंट के बाद जो संख्या है उतनी संख्या हम गिनेंगे, जैसे पॉइंट के बाद एक संख्या है दो संख्या है, और राइट साइड से हम उतने जीरो छोड़ के उस पॉइंट को लगा देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रेंड देखिए, फर्स्ट के अंदर 1000 × 10, यहाँ पर दशमलव नहीं है तो आंसर सीधा आ जाएगा 10,000। सेकेंड के अंदर 1000 × 1 फ्रेंड्स तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000। थर्ड के अंदर देखिए फ्रेंड्स, 1000 × 0.1, तो राइट दशमलव के बाद एक संख्या है तो राइट साइड से हम एक जीरो छोड़ के दशमलव लगा देंगे जो हमारे आंसर आ जाएगा 100। फोर्थ के अंदर देखिए फ्रेंड्स, दशमलव के बाद दो संख्या है तो राइट से हम दो जीरो छोड़ के दशमलव लगा देंगे जो आंसर हमारे आ जाएगा हमारे पास 10। नेक्स्ट के अंदर देखिए फ्रेंड्स, दशमलव के बाद तीन डिजिट है तो राइट साइड से तीन जीरो छोड़ के हम डॉट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट के अंदर दशमलव के बाद चार संख्या है तो राइट से हम चार डिजिट काउंट करेंगे। फ्रेंड लास्ट के अंदर देखिए पाँच संख्या है तो फ्रेंड्स हमारे पास उस संख्या के अंदर पाँच डिजिट नहीं है तो फ्रेंड्स हम एक जीरो ऐड करेंगे और उसका आंसर लिख देंगे। फ्रेंड्स लास्ट में हमारा आंसर आ गया 0.01। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमने गणना की है या कैलकुलेशन की है। फ्रेंड्स इसका आप एक शॉर्ट नोट या मार्क बना लीजिए जिससे आपको भविष्य में जब कभी भी देखो आपको ये सारी चीज़ें याद आ जाए। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे की ओर सोल्व। फ्रेंड्स इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं उसका तरीका देखेंगे। फ्रेंड्स हमेशा हम इक्वेशन सोल्व करते हैं बोडमास नियम का पालना करेंगे जो ये बताता है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ओ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, टॉप टू बॉटम चलता है। फ्रेंड्स ये इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। हम एग्जाम्पल का एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है। फ्रेंड इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम तरीका हमारा सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सोल्व करेंगे। फ्रेंड देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, अब ब्रैकेट के अंदर फिर से बोर्ड मास लगेगा तो इसके अंदर फ्रेंड्स हम फिर से डिवाइड वाली चीज़ को सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड देखिए डिवाइड है 12/4 जो आंसर आएगा 3। तो फ्रेंड्स ए जी से हमने इक्वेशन लिख ली है 20 + 3 × 3 − 2 × 2। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट हम सोल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो आंसर हो जाएगा 20 + 9 − 4। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से हम आगे सोल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा। बाकी की इक्वेशन ए जी लिख लेंगे और सोल्व करने पर फ्रेंड इसका आंसर हमें मिलेगा −4। देखा फ्रेंड्स कितना सिंपल है इसको सोल्व करना, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जिसके अंदर हम फिर से बोर्ड मास का ही यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, और इस बार एग्जांपल के अंदर फ्रेंड्स हम स्क्वायर वाली टर्म ले रहे हैं।
ताकि स्क्वायर को भी कैसे सोल्व का पता चल जाए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम सोल्व किसे करेंगे फ्रेंड, स्क्वायर वाली टर्म को और बाकी डिजिट को एज इट इज लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो फ्रेंड्स वापस एज इट इज टर्म लिख लेंगे 105 प्लस 206 माइनस 550 डिवाइड बाई 25 प्लस 10। फ्रेंड्स वहाँ पे प्लस 10 है फ्रेंड्स अंडर इस ब्रैकेट के अंदर, फिर अब अपने पास आ जाएगा 311 माइनस 25 को 550 से डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स अपने पास आंसर आएगा 22 प्लस 10। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आ गया हमारे पास 299। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमने किया है। फ्रेंड्स ये जो एग्जांपल है अभी जो ले रहा हूँ मैं, फ्रेंड्स आपको खुद करना है घर पे ताकि आपको कितना समझ में आया पता चले, और इसका जवाब प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर दे फ्रेंड्स। क्वेश्चन है प्लस सेवन का स्क्वायर माइनस सेवन, प्लस सेवन इंटू सेवन माइनस सेवन। तो फ्रेंड्स प्लीज़ पुट आंसर इन कमेंट बॉक्स, इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दे। और फ्रेंड इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए मन लगा के। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो फ्रेंड्स इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसको व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, यूट्यूब पे शेयर करें, लाइक करें और ट्विटर पे भी फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा चैनल का नाम है मैथ्स फॉर कोड। थैंक यू।